हेलो फ्रेंड, फार्मर हेल्पिंग चैनल में आपको स्वागत है। इस वीडियो में आपको जो पीलापन आता है बरबटी अथवा लोबिया का, इस बारे में बात करेंगे। लोबिया में जो फंगस के लिए पीलापन बीमारी आता है, इस बीमारी को ट्रीटमेंट के लिए आपको कोफारोक्सीक्लोराइड प्लस प्लैंटोमाइसिन एक साथ कर मिलकर स्प्रे करना पड़ता है। अभी बात करेंगे ब्लाइटॉक्स के बारे में। ब्लाइटॉक्स क्या है और इसका डोज क्या है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। ब्लाइटॉक्स एक कोफारोक्सीक्लोराइड, इसका केमिकल कंपोजिशन 50% WP जो एक टाटा कंपनी का होता है। जो ब्लाइटॉक्स एक टाटा कंपनी का, तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। लोबिया में जो पीलापन आता है, इस टाइम में आपको ब्लाइटॉक्स प्लस प्लैंटोमाइसिन एक साथ मिक्स करके स्प्रे करना पड़ता है। प्लैंटोमाइसिन एक बैक्टीरियोमाइसिन जो एक एरिस कंपनी का आता है, इसको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो एक बैक्टीरियोमाइसिन, बैक्टीरिया का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको बीमारी को सॉल्व करता है जो प्लैंटोमाइसिन। लोबिया में जो पीलापन बीमारी आती है, इस टाइम में आपको ब्लाइटॉक्स प्लस प्लैंटोमाइसिन एक साथ कर स्प्रे करने के बाद सेकेंड डोज आपको लगभग वन वीक के बाद स्प्रे करना है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। प्रॉब्लम में आपको बीमारी भी आपको खत्म हो जाएगा। अभी बात करेंगे इसका डोज के बारे में। जो ब्लू फार जो ब्लाइटॉक्स है, उसका डोज 15 लीटर वाटर में 30 ग्राम, प्लस प्लैंटोमाइसिन जो है 15 लीटर वाटर में 15 ग्राम एक साथ कर मिलकर स्प्रे करना है। लोबिया का जो पीलापन आता है, इसको सेकेंड डोज आपको लगभग वन वीक के बाद ही देना है, नहीं तो आपको बाद में रिएक्शन हो सकता है, दवाई का कोई भी रिएक्शन हो सकता है। इसलिए वन वीक के बाद सेकेंड डोज आपको अप्लाई करना है, एवं रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड लाइक शेयर।